आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी। कोरोना ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि पप्पू पकौड़े बनाने लगे। तो जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी, भेदभाव या पक्षपात से बातें बहुत विषैली होगी, उनकी उंगली पांचों घी में हमसे कैसे टैली होगी, आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी। तंत्र भी पीछे लगा हुआ है इसके पीछे। अच्छा। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा था। आज विद्यालय बंद होगा, नेताजी की रैली होगी, ये सच्चाई है। एक वजह क्या है कि पूरे देश में कवियों की संख्या बहुते हैं, लेकिन अब देखी जा रही है कि हर कवि एक विशेष पार्टी का होता जा रहा है, इसका कारण क्या बनता जा रहा है? क्या है कि लाभ है इससे, राग दरबारी गाने से जी, दरबारी राग का हम थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कह रहे हैं जी, इसको तलवा चटना भी कहा जा सकता है। अच्छा। लेकिन राग दरबारी गाने से लाभ है जी, इसलिए कि मैंने कहा कि बेसुरे बहुत गीत गाने लगे हैं, वाह, बेताली भी ताली बजाने लगे हैं। क्या बात, बेसुरे बहुत गीत गाने लगे हैं, बेताली भी ताली बजाने लगे हैं, और कोरोना ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि पप्पू पकौड़े बनाने लगे हैं। तो स्थितियां ये हो गई हैं जिनको कविता लिखने का कोई सहूर ना हो और वो केवल तलवा चाटना ठीक ढंग से जान जाए, बस समझिए कि उनकी चांदी है, उनका सारा काम हो गया, उनके लिए तमाम सारे सम्मान मिलने तय हो गए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ बन गई। तो राग दरबारी गाना भी एक अहम काम है राजनीति में, समझिए इसकी बड़ी अहम भूमिका है जी। एक नेता को पकड़िए आप, उसको उसका गुणगान करने लगिए, उसके पर चालीसा लिखिए, उसके लिए आप तमाम संतत बनाइए, बस वो आपका काम हो गया, पूरे जीविका के लिए आपके सारे जीवन भर के लिए सारी व्यवस्था उसने कर दिया जी। तो ये स्थितियाँ, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, हमको कोई सम्मान मिले न मिले हमको कोई एतराज़ नहीं है, ना ही हमको इस तरह का कोई लालच है कि हमको कोई सम्मान देगा तो हम ऐसे हो जाएंगे बच्चे, हम ये है कि जनता हमको सम्मान देती है जनता। अच्छा, के बीच में अक्सर देखते हैं हम समाज के प्रति आप पूरी तरह निरंतर काम करते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से तमाम लोगों को संदेश देते हैं, लेकिन आज की वर्तमान सरकारें, चाहे पहले भी रह चुकी जो सरकारें, हम चाहते हैं कि अपने कविताओं के माध्यम से कुछ उन लोगों को संदेश दें, क्योंकि देखी जा रही है कि जिस तरह कवि लोग हैं विशेष पार्टी के होते जा रहे हैं, उसको लेकर हम चाहेंगे कि दो शब्द कविता के माध्यम से। देखिए ये क्या है कि आज एक नेता को अगर हम कह करके नाम लेकर के कुछ कहें कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, कल वो दूसरे दल में गया जी, फिर कहेंगे ऐसा है वैसा है, फिर तीसरे दल में गया, फिर कहेंगे ऐसा है वैसा है, तो इनके कोई चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है और ना इनका कोई भरोसा है। देहातों में कहते हैं पंछुहिया नार। अच्छा, पंछुहिया नार सुनते हैं देहातों में, भोजपुरी में कहते हैं, हाँ, कोई भरोसा नहीं रहता, कब इधर उथल पुथल, कब इधर से कब इधर हो जाए, कोई भरोसा नहीं, बस यही हाल नेताओं का है। तो इनके लिए ना गुणगान करूँगा किसी का नाम लेकर के कुछ अगर कह देता हूँ तो मैं हाईलाइट होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझको गाली पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हाईलाइट हो जाएंगे, ये हाईलाइट। तो ऐसे मैं इन लोगों का नाम ही मैं नहीं लेना चाहता हूँ, राजनीति से मैं कोसों दूरी बनाकर रहता हूँ, बिल्कुल कोसों दूरी बनाकर रहता हूँ, जिनका जितना इनका छीछा लेदर करना होगा मंच पर हम कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन बाकी कुछ इनके विषय में गुणगान करने कोई कह दे कि हम इनके विषय में कुछ लिख करके चालीसा लेके आए, इनके गुणगान के विषय में ऐसा कुछ हम कभी जीवन में ऐसा किए ही नहीं ना करेंगे। हम तंज कसना कह रहे हैं विशेष नाम लेकर नहीं, एक समाज के एक आईना है, देखी जाए तो आईना है, क्योंकि समाज में तमाम तरह के संदेश आप देते रहते हैं। मैंने कहा है हाँ। कि सच कहूँ या झूठ बोलूँ, आप ही इंसाफ करिए, बात से जब ठेस पहुँचे आपको तो माफ़ करिए, आईना अच्छा भले ही हाथ में हो आपके, देखने के कबल अपनी आँख को भी साफ करिए, साफ आईने से आप देखिएगा, साफ कुछ दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा, और मैं समाज को साफ आईने से देखता हूँ, समाज ही हमारा सब कुछ है, ना कि कोई नेता है, ना कि कोई पार्टी है, ना ही कोई हमारे लिए कुछ बना देगा, ना ही हमारा कुछ बिगाड़ सकता है जी। मैं हम समाज में जीता हूँ और समाज के लिए चिंतन करता हूँ, समाज के लिए कुछ लिखता हूँ, हमारे समाज में तमाम कुरीतियाँ भ्रांतियाँ जो अंधविश्वास जो ये सब फैले हुए हैं, इसको लेकर के मैं कविताएँ करता हूँ समाज के बीच, इसीलिए मेरी पहचान है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी देखे हैं आप, तमाम जगह इंटरव्यू में बोले हैं कि हमने हजारों गाने लिखे, हमने हजारों कई हजार जो है कि कविताएँ लिखी, ये तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपको पता चले मैं भिखारी ठाकुर का नाम क्यों लिया हूँ, उसके बाद जो है कि इनका नाम बताने से। अब देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या जी,
अगर समय रहता तो मैं धारा प्रवाह लगातार 200-300 कविताएं एक सांस में बोल देता है। धारा प्रवाह 200-300 कविताएं तो यहाँ हिंदी भोजपुरी उर्दू संस्कृत जैसे आप कहते हैं तो उसे ताबड़तोड़ में बोलते जाता है। लेकिन मामला ये कुछ हमारे साथ है कि दिमाग हमारा कहीं दूसरी जगह है, कार्यक्रम में निकलना हमको है और 4 बजे से ही कार्यक्रम भी है, एक लंबी यात्रा भी करनी है। फिलहाल जब भी आप मिलते हैं तो इसके विषय में गहनता से बातचीत होगी। कभी आइए हमारे घर तो आपको दिखाता हूँ मेरी उपलब्धियाँ क्या हैं, मैं कैसे क्या कमाया हूँ और क्या मेरी उपलब्धि है। अगल बोल हमारे परिक्षेत्र में 10-20 किलोमीटर के रेंज में कहीं जाइएगा वासा प्रेम से मिलना है तो छोटा बड़ा कोई एक बच्चा भी होगा तो भी बताएगा कि हाँ हमने जान तो है। जब हम जैसे लोग